लजीना इजा सौबत मुसीबत, ये ऐसे लोग हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है कालू इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि उसका हाल ये बन जाए कि उसका ईमान तीन चीजों पर मजबूत हो जाए। एक तो इस पर मजबूत हो जाए कि जितनी चीजें जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सब की सब चीजें इनका मैं मालिक नहीं हूं, अल्लाह मालिक है। इन्ना लिल्लाह, अल्लाह के लिए हम, ये सब की सब चीजें अल्लाह के लिए हैं, मेरा तो कुछ है नहीं। जॉब देनी थी उसने देनी थी, नहीं दी तो उसकी मर्जी, अब मैं क्या कर सकता हूं। इसी तरह जिंदगी देनी थी उसके इख्तियार में था, मेरा तो कुछ था नहीं। मौत दे दी है तो अगले जहान जाके मिल जाएंगे। इन्ना लिल्लाह, हम सब के सब अल्लाह के लिए हैं। एक तो इस पे ईमान और एक ये कि इन्ना इलैहि राजिऊन, और दूसरे इस पे ईमान कि हमें रजू करना है, लौट के अल्लाह ही के यहां जाना है। किसी का इंतकाल हो गया, वो सुबह की गाड़ी से चला गया है, शाम को मैं दूसरी गाड़ी आ जाएगी, मुझे भी वहीं जाना है, और पहुंच के आखिर में मंजिल सबकी एक ही है, राजिऊन अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। दो चीजों पर ईमान, और तीसरा ये कि जितनी चीजें अल्लाह की तरफ से हैं सिवाय इसके कि मैं अल्लाह से दुआ करता रहूं और कोई चीज मेरे कब्जे में नहीं, मेरे बस में नहीं, और दुआ ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने जब किसी पे मुसीबत आ जाए तो उसे चाहिए कि ये चीज पढ़े।